तो कहने को तो ये दोनों टीम्स अपना पहला मुकाबला जीतते हुए आ रहे, बट आज जो एनआरके टीम है ना, उनको अगर जीतना है पिछले मैच के मुकाबले 2 से 3 गुना ज़्यादा बेहतर खेल का प्रदर्शन दिखाना पड़ेगा। ऐसे में कैसे कह सकता हूँ, डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा आपके साथ ही इस मैच को एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एक लाइक करके शुरुआत करना है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में 5 वो ग्रैंड लीग के नाम बताऊंगा जिनके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है, आज आपके लिए त्रुप का इक्का साबित हो सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ज़्यादा फालतू का बात नहीं करेंगे, वही सेम वेन्यू है, SNR कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड कोयम्बटूर। तो जल्दी जल्दी इस फेज से हम बाहर निकल जाएंगे। देखो 14 मैचेस खेले जा चुके हैं इस वेन्यू के ऊपर। एवरेज स्कोर बैटिंग फर्स्ट 162 का है, बैटिंग सेकेंड करते हुए 9 मैचेस जीते गए हैं। अब पिछले 3 मैचेस बैक टू बैक बैटिंग सेकेंड करते हुए जीते गए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पिछले 3 मैचेस से आप देखोगे ना, बैटिंग फर्स्ट करते हुए 120 125 के ऊपर स्कोर गया नहीं है। और मैंने आपको लगभग हर एक वीडियो में वही बोला है कि अगर बैट फर्स्ट आप कर रहे हो इस वेन्यू के ऊपर, 160 165 बनाओ तो ही आप गेम में रहोगे, ये 125 130 से कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, इस वेन्यू पे दोनों टीम्स का परफॉर्मेंस चेकआउट करेंगे। देखो LKK मतलब लाइका कोवाई किंग्स 5 मैचेस खेले हैं, 4 जीते हैं, सिर्फ 1 हारे हैं। NRK भी 4 मुकाबले खेले हैं, 3 जीते हैं, 1 हारे हैं। तो इस वेन्यू पे जो दोनों टीम्स का परफॉर्मेंस रहा है ना आज तक, काफ़ी अच्छा रहा है। रीसेंट मैचेस चेकआउट करेंगे, आपको ऑलरेडी पता है कल रात को ही खेला गया था, 120 पे ऑल आउट हो गए और वो आसानी से चेस भी हो गया। स्पिनर्स का दबदबा हर एक वीडियो में मैंने आपको बोला है कि इस वेन्यू के ऊपर, इस पिच के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। स्लो पिच है, जो डेथ ओवर्स वाले बॉलर्स हैं उनके ऊपर आपको ध्यान देना है, या फिर जो स्लोअर वंस डाल सकते हैं, बैक ऑफ द हैंड डिलीवरीज डाल सकते हैं, उनके ऊपर आपको ध्यान देना है पेसर्स में से। बाकी स्पिनर तो हर एक इंपॉर्टेंट होंगे ही। ठीक है, उसके पहले जो मुकाबला खेला गया था 120 पे ऑल आउट, यहाँ पे भी 6 विकेट से मैच जीत गए चेजिंग साइड। 126/8 यहाँ पे भी 6 विकेट से मैच जीत गए। हर एक मैच में पेसर्स एंड स्पिनर्स का मुकाबला जो है वो आप देख सकते हो। यहाँ पे जो मैच हुआ था शुरुआत के टाइम पे 217 बना था, 165 तक गया था सेकेंड इनिंग में, और ये फर्स्ट मैच था इस साल का जहाँ पे 179 बना था, चेज नहीं हुआ था। शुरुआत के दोनों मैचेस में चेज नहीं हुए, बट बाकी के 3 मैचेस में बैक टू बैक चेज हुआ है। ये कुछ पिछले साल के मैचेस हैं, आप चाहो तो रीड कर सकते हो, बेकार में इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ओवरऑल देखेंगे पिछले 10 मैचेस का जो इस वेन्यू पे खेला गया है TNPL में, पेसर्स को फर्स्ट इनिंग में 28 विकेट मिले हैं, स्पिनर को भी फर्स्ट इनिंग में 28 विकेट मिले हैं, तो ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे है नहीं। सेकेंड इनिंग में पेसर को 22 विकेट तो स्पिनर को 36 विकेट्स मिले हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। और ये स्पिनर ना सेकेंड इनिंग वाले तभी ज़्यादा गेम में आ पाते हैं जब फर्स्ट इनिंग में अच्छा खासा स्कोर बोर्ड पे टंगा हुआ हो, मतलब 160 165 के ऊपर मिनिमम आपको देना ही होगा अगर आप बैट फर्स्ट करते हुए इस वेन्यू के ऊपर मैच जीतना चाहते हो तो। ठीक है, वीडियो के शुरुआत में ही मैंने आपको एक चीज़ बोला था, लाइका कोवाई किंग्स आज फेवरेट है। अगर आप स्मॉल लीग का टीम कॉम्बिनेशन बना रहे हो, ग्रैंड लीग का टीम कॉम्बिनेशन बना रहे हो, लाइका कोवाई किंग्स को फेवर करके ही टीम कॉम्बिनेशन बनाइएगा। ऐसा मैं कैसे कह सकता हूँ बताऊँगा, बट उसके पहले अगर आप वीडियो को अब तक एक लाइक कर दिए हो बहुत बहुत शुक्रिया। देखो प्रोबेबल 11 इनका कैसा होने वाला है, जे सुरेश कुमार जो कि विकेट कीपर बैटर है ओपनिंग करेंगे। अब मैंने इनको ब्लू करके क्यों रखा है, देखो ये मेरे लिए आज ट्रम्प पिक है। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर ज़्यादा किसी का ध्यान नहीं है, विकेट कीपिंग सेक्शन में ना सभी अरुण कार्तिक को लेके आएंगे, तो उस टाइम पे जे सुरेश कुमार जिनका रीसेंट फॉर्म उतना भी बुरा नहीं है, अगर आप अच्छे से देखोगे तो मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट होंगे। अगर आज लाइका कोवाई किंग्स चेस करता है ना, जे सुरेश कुमार को अपने स्मॉल लीग के टीम में भी रिस्क लेके आप रख सकते हो, मेरे हिसाब से आज काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे ये। ठीक है, यहाँ पे बी सचिन पिछले मैच में ओपनिंग किए थे, इनके साथ कुछ खास नहीं किए थे। साई सुदर्शन इंपॉर्टेंट होंगे, मस्ट पिक है, जो ये ब्लैक कलर वाले पिक्स है ना मेरे हिसाब से आज मस्ट पिक है, इसलिए मैंने बोल्ड करके रखा है। ठीक है, यू मुखिलेश आपको दिख जाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट हैंड बैटर एंड पार्ट टाइम राइट आर्म ऑफ स्पिन भी डाल लेते हैं, पिछले मैच में 33 रन्स इन 1 विकेट निकाले थे, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ट्रम्प पिक थे क्योंकि सिलेक्शन काफ़ी कम था, 2 ओवर किए थे, 1 विकेट निकाले थे।
शाहरुख खान टीम के कैप्टन नंबर 5 नंबर 6 तक बैटिंग करने आएंगे। पिछले मैच में डेथ ओवर्स में भी डाले थे, कंप्लीट 4 ओवर डालते हैं एंड नंबर 5 नंबर 6 पे बैटिंग करने आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट सीवीसी ऑप्शन। ठीक है, अतिकुर रहमान है लेफ्ट हैंड बैटर, नीचे खेलेंगे। बाकी यहाँ पे के गौतम थमराई कनन आपको दिख जाएंगे, राइटर मीडियम फास्ट, पिछले मैच में कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं रहा था, एक विकेट निकाले थे बस। एम मोहम्मद, एल किरण आकाश एंड एम सिद्धार्थ, ये तीनों को मैंने बोल्ड क्यों किया है, क्योंकि तीनों को आपको छोड़ना नहीं है, तीनों ही लगभग 4-4 ओवर का कोटा कंप्लीट करने का क्षमता रखते हैं डेथ ओवर्स में। यहाँ पे एम मोहम्मद के साथ एल किरण आकाश आपको दिख जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों डेथ ओवर्स में। एम सिद्धार्थ भी पिछले मैच में डेथ ओवर्स में एक ओवर डाले थे, बट इनका ओवर 15th ओवर 16th ओवर तक आके खत्म हो जाता है, ये बात आपको समझ के चलना है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है। ठीक है, यहाँ पे सुब्रमणियन को पिछले मैच में मौका मिला था, जो एक लेग ब्रेक बॉलर है, रीसेंट फॉर्म ठीक ठाक है, आप ट्राई कर सकते हो। 4 ओवर कंप्लीट डाले थे, इकोनॉमिकल बॉलिंग किए थे, सिर्फ 14 रन दिए थे और एक विकेट भी निकाले थे, इसीलिए आज वन ऑफ द डिफरेंशियल पिक्स हो सकते हैं, इसलिए मैंने ब्लू करके रखा है। इंपॉर्टेंट होंगे स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में, तो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, अगर बॉलिंग सेकेंड भी करता है तो भी इंपॉर्टेंट होंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एलकेके का टीम ज़्यादा स्ट्रांग है, ओपोनेंट टीम एनआरके के बैटिंग ऑर्डर में एक दो प्लेयर अच्छे हैं, बाकी उतने खास बैट्समैन है नहीं। ठीक है, पिछले मैच में इनके तरफ से डेथ ओवर्स में कौन डाले थे, देखो शाहरुख खान ना पिछले मैच में डेथ ओवर्स में डाले थे एंड बाकी जो बॉलर्स हैं सभी से एक एक ओवर डेथ ओवर्स में करवाए थे, जो लास्ट के 16 से 20 ओवर का स्पेल होता है ना, वहाँ पे शाहरुख खान खुद एक ओवर, किरण आकाश का एक ओवर, मोहम्मद का एक ओवर, सुब्रमण्यन का एक ओवर, एम सिद्धार्थ का एक ओवर। ठीक है, बेंच में आपको यहाँ से कौन कौन देखने को मिलेंगे, फिर युधिश्वरन, ये बंदा अगर खेलता है किसी के भी जगह खेले आपके टीम में होना ही चाहिए, रीसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छा है, पिछले साल भी जितने भी मैचेस खेले थे गोल्डन आर्म आप कह सकते हो। ठीक है, विकेट निकाल के देंगे आपको। नीचे चलेंगे, एस सुजाय नहीं खेलेंगे, आर दिवाकर अगर खेलते हैं आप ट्राई कर सकते हो, बट मैं ग्रैंड लीग में बोलूँगा, स्मॉल लीग में उतना सजेशन नहीं दूंगा। हाँ, कभी कभी इनको 4 ओवर्स मिलते हैं, कभी कभी इनको नहीं मिलते हैं, शुरुआत में अगर मार पड़ जाए फिर इनको 4 ओवर मिलना मुश्किल है, इसीलिए मैं स्मॉल लीग में नहीं सजेस्ट कर रहा, बट ग्रैंड लीग में बिल्कुल मैं सजेस्ट करूँगा। ठीक है, तो लाइका कोवाई किंग्स के तरफ से वो 7 प्लेयर कौन हैं जिनको आपको छोड़ना नहीं है, देखो साई सुदर्शन, यू मुखिलेश एंड शाहरुख खान, ये तीनों इंपॉर्टेंट होंगे मेरे हिसाब से। नीचे जाएंगे, एम मोहम्मद, एल किरण आकाश एंड एम सिद्धार्थ, ये 6 प्लेयर आपके टीम में होना ही चाहिए। ठीक है, डिफरेंशियल लेना है, यहाँ पे सुब्रमण्यन है जो पिछले मैच में 4 ओवर किए थे, इस मैच में भी 4 ओवर करने का पूरा दमखम रखते हैं, और इधर से जे सुरेश कुमार जो विकेट कीपिंग प्लस ओपनिंग से पॉइंट्स देंगे, बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हो। तो ये 7 से 8 प्लेयर मैंने लाइका कोवाई किंग्स की तरफ से आपको बता दिया। ठीक है, डिफरेंशियल 2 है, 6 मस्ट पिक्स है। ठीक है, अच्छा अब बात करेंगे ओपोनेंट टीम नेल्लाई रॉयल किंग्स के बारे में। उसके पहले अगर आपने वीडियो को एक शेयर कर दिया है बहुत बहुत शुक्रिया, एक कमेंट भी किया है तो और भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए नेल्लाई रॉयल किंग्स के बारे में बात कर लेते हैं, प्रोबेबल 11 इनका कैसा हो सकता है, पिछले मैच में कैसा था, अरुण कार्तिक विकेट कीपिंग प्लस ओपनिंग, रीसेंट फॉर्म मैंने आपको बताया था इनका काफ़ी अच्छा चल रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो ना पिछले मैच में 32 किए थे, उसके पहले 85, 68, 82 नॉट आउट, 122, 58, 130, काफ़ी अच्छा रीसेंट फॉर्म रहा है, तो आज भी मैं इनको सजेस्ट करने वाला हूँ। कुछ नहीं करेंगे तो विकेट कीपिंग से तो आपको पॉइंट्स देंगे ना, 2-3 कैचेस का, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। श्री निरंजन, इनके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि ये बॉलिंग भी कर लेते हैं बैटिंग भी कर लेते हैं, बट पिछले मैच में ना बॉलिंग इनको बिल्कुल नहीं मिला है, क्योंकि इनके टीम के पास ऑलरेडी पार्ट टाइमर्स एंड मेन बॉलर्स को मिला के काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल है, इसलिए निरंजन को एज अ ओपनर ही सिर्फ आप कंसिडर करो, लेफ्ट हैंड बैटर है, ये बात आपको ध्यान में रखकर चलना है। निदेश राजागोपाल, अब ये जो बंदा है ना इनके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, बात को समझना, अगर आप ड्रीम इलेवन पे खेल रहे हो इनको छोड़ के ना आप एक्स्ट्रा कोई दूसरा टीम कौन एलकेके बॉलर्स को आप ले सकते हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि नीतीश राजागोपाल आप खुद ही देखो पिछले मैच में 42 नॉट आउट किए थे चेस करते हुए, सामने कोई खास टीम था नहीं, खास बॉलिंग अटैक था नहीं, बट आज इनके सामने खास बॉलिंग अटैक होगा, स्ट्रांग बॉलिंग अटैक होगा, तो उसके पहले का परफॉर्मेंस देखो, 9-0 नॉट आउट, 1-1, 9-2, ठीक है यहाँ पे 26 आया है, यहाँ पे 55 एंड 64 नॉट आउट आया है,
तो कंसिस्टेंसी नहीं है, इसीलिए राजा गोपाल को सभी लेके आएंगे। आप इनके जगह एक्स्ट्रा कोई बॉलर या फिर ऑलराउंडर ट्राई कर सकते हो, जिनके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ एंड आगे भी बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पे नंबर चार पे ऋतिक ईश्वरन के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। थोड़ा सा नीचे चलेंगे, जी अजितेश पावर हीटर है, नीचे आके फिनिश करते हैं, ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं, स्पेशली तब ये आपको लंबा खेल के देंगे जब टॉप ऑर्डर कोलैप्स होगा। पिछले मैच में टॉप ऑर्डर कोलैप्स नहीं हुआ था, अरुण कार्तिक एंड राजा गोपाल टॉप ऑर्डर को संभाल लिए थे, इसलिए अजितेश का उतना बैटिंग नहीं आया। बट अजितेश वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लेयर है, मतलब 30-35 बनाने लायक प्लेयर है, क्विक फायर, ठीक है। सोनू यादव टीम के मेन ऑलराउंडर आप कह लो, ठीक है, पोटेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन, तो इम्पॉर्टेंट होंगे आज क्या बॉलिंग फर्स्ट में ना, आप CVC ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अरुण कुमार पिछले मैच में एक ओवर डाले थे, शायद 10 रन खा गए थे एंड बैटिंग से कुछ खास नहीं किए थे, 11 रन किए थे, ठीक है। अब संदीप वॉरियर रीसेंट फॉर्म ठीक ठाक है। अब देखो संदीप वॉरियर ना मैंने ब्लू करके क्यों रखा है, पिछले मैच में शुरुआत में 2 ओवर्स डाले, उसके बाद ओवर्स ही नहीं आया इनका, ठीक है। 5 रन दिए थे, विकेटलेस गए थे। आज सामने स्ट्रांग टीम है, मुझे लगता है ना आज इनको 4 ओवर मिलने वाला है, ठीक है। तो बॉलिंग फर्स्ट अगर होता है बिल्कुल अपने टीम में रखिएगा, कैप्टन वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई कीजिएगा। कब? बॉलिंग फर्स्ट में। बॉलिंग सेकेंड में इनको उतना ज़्यादा भाव देने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सामने बहुत अच्छा बैटिंग ऑर्डर है लाइका कोवाई किंग्स का। मेरे हिसाब से ये जितने भी टारगेट देंगे वो चेस कर लेंगे, ठीक है। तो अगर संदीप वॉरियर बॉलिंग सेकंड करता है मैं उतना सजेशन नहीं करूंगा, बॉलिंग फर्स्ट में आप ट्राई कर सकते हो। एम पोयामोजी पिछले मैच में हमारे टीम में थे, जब 20-25% सिलेक्शन था, डेथ ओवर्स में डालते हैं, पिछले मैच में भी डेथ ओवर्स में 2 ओवर था इनका, इंपॉर्टेंट होंगे, 2 विकेट निकाले थे। NS हरीश का देखेंगे, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, पिछले मैच में इनके जगह मणिकंदन खेले थे। मणिकंदन क्या है? एक लेग स्पिनर है, ठीक है। NS हरीश एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, पता नहीं पिछले मैच में ये क्यों नहीं खेले, इंपॉर्टेंट स्पिनर है, पिछले साल लगभग हर एक मैच में खेले थे, ठीक है। आज ये कमबैक कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। मणिकंदन अगर फिर से खेलते हैं मैं उतना सजेशन नहीं दूंगा, पिछले मैच में मणिकंदन को सिर्फ 1 ही ओवर मिला था, ठीक है। मोहन प्रसाद पिछले मैच में 3 विकेट निकाले थे, हमारे लिए डिफरेंशियल प्लेयर थे अगर आपको याद होगा, इंपॉर्टेंट होंगे, रीसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छा है, पिछले 3 इनिंग में जो ये बॉलिंग किए हैं ना 7 विकेट निकाल चुके हैं, तो मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एस मोहन प्रसाद। तो एस मोहन प्रसाद को मैंने बोल्ड करके रखा है, यहाँ पे पोया मोजी को मैंने बोल्ड करके रखा है, सोनू यादव को बोल्ड करके रखा है, 3 मस्ट पिक्स हो गए, ठीक है। और टॉप ऑर्डर में आप जाएंगे तो अरुण कार्तिक को मैंने मस्ट पिक में रखा है। डिफरेंशियल कौन कौन है इस टीम से? नीतीश राजागोपाल आपके लिए डिफरेंशियल हो जाएंगे, 1 मिनट। हाँ जी, तो नीतीश राजागोपाल यहाँ पे डिफरेंशियल हो जाएंगे। नीचे चलेंगे, संदीप वॉरियर बॉलिंग फर्स्ट में डिफरेंशियल हो जाएंगे। NS हरीश का पता नहीं कितना खेलेंगे कितना नहीं, अगर खेलते हैं बॉलिंग सेकंड में आप ज़्यादा ट्राई कर सकते हो, दिक्कत नहीं है, ठीक है। डेथ ओवर्स में इनके तरफ से पिछले मैच में पोया मोजी डाले थे, यहाँ पे सोनू यादव डाले थे और SM प्रसाद डाले थे, ये तीनों मिलके लास्ट का जो 5 ओवर है ना वो संभाले थे। बेंच में इनके तरफ से कोई इंपॉर्टेंट प्लेयर है क्या जो आज खेल सकते हैं? बिल्कुल है। कौन है? अश्विन क्रिस्ट है, राइटर मीडियम फास्ट है, पिछले मैच में जितने भी मैचेस ये खेले थे ना, सॉरी पिछले साल ये जितने भी मैचेस खेले थे डेथ ओवर्स में हमेशा आते थे और कुछ हद तक ये 10-15-20 रन बना के आपको दे ही देते थे अगर इनका बैटिंग आ जाता था, ठीक है। तो अश्विन क्रिस्ट इंपॉर्टेंट होंगे अगर खेलते हैं तो। नीचे जाएंगे, यहाँ पे कार्तिक मणिकंदन है जो पिछले मैच में खेले थे बट 1 ही इनको ओवर मिला था, कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे लक्ष्मेशा सूर्य प्रकाश आपको दिखेंगे, एज अ सब्स्टिट्यूट प्लेयर खेल रहे हैं इसीलिए मुझे उतने इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे, नहीं तो वन ऑफ द कंसिस्टेंट प्लेयर्स आपको दिखेंगे। जैसे कि मैंने कल बोला था राधाकृष्णन के बारे में, राधाकृष्णन 50+ पॉइंट्स देके गया है। अगर सूर्य प्रकाश शुरुआत के 11 में होते हैं ना, आप इनको आंख बंद करके ले सकते हो, ये 25-30 रन बना के आपको दे ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस वेन्यू पे टॉस बेस्ड एनालिसिस चेकआउट करेंगे। लाइका कोवाई किंग्स के कैप्टन शाहरुख खान इस वेन्यू पे कैसा परफॉर्मेंस किए हैं देखिए, 51 किए हैं, 0 विकेट, 22 रन, 25 रन और 3 विकेट। कब? बैटिंग फर्स्ट एंड बॉलिंग सेकंड करते हुए, इंपॉर्टेंट होंगे। इस वेन्यू के ऊपर रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है शाहरुख खान का, बैटिंग सेकंड करते हुए 24 नॉट आउट, 2 विकेट,
58 नॉट आउट सिर्फ 24 बॉल में और एक विकेट निकाले, ठीक है। साई सुदर्शन का इस वेन्यू पे रिकॉर्ड बहुत खतरनाक है, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, और हमारे वाइस कैप्टन भी थे, नहीं कैप्टन थे, हाँ कैप्टन थे साई सुदर्शन पिछले मैच में, ठीक है, जहाँ पे 86 किए हैं 45 बॉल्स में, ठीक है। सुरेश कुमार इस वेन्यू पे 6 बार बैटिंग किए हैं, उनमें से 2 बार चले हैं, 1 बार 32 किए हैं, 1 बार 83 नॉट आउट किए हैं, 1 बार 21 भी किए हैं, बाकी स्टार्ट हर बार मिला है इनको, पर ये कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं, ठीक है। एम सिद्धार्थ इस वेन्यू पे 4 बार बोलिंग किए हैं, 2 बार एक एक विकेट निकाले हैं, दोनों बार बोलिंग फर्स्ट में। एम सिद्धार्थ के बाद एम मोहम्मद जो इस वेन्यू पे हमेशा सेकेंड इनिंग में बोलिंग किए हैं, देखो यहाँ पे 2 विकेट, यहाँ पे 0 विकेट, यहाँ पे 2 विकेट, यहाँ पे 2 विकेट और 10 नॉट आउट, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है इस वेन्यू के ऊपर। एम मोहम्मद इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे चलेंगे, आपको दिखेगा कौन, एल किरण आकाश यहाँ पे 1 विकेट निकाले हैं, यू मुकिलेश का पिछले मैच का परफॉर्मेंस आप नहीं भूल सकते, 33 रन्स और 1 विकेट, बट आज अगर बैटिंग सेकेंड होता है ना तो यू मुकिलेश का बैटिंग शायद ना आए, ये बात आपको समझ के चलना है, ठीक है। अब और एक चीज़ नीचे मैं आपको बताऊंगा कौन है, आर दिवाकर इस वेन्यू पे 1 ही बार बोलिंग किए हैं, नहीं 1 ही बार नहीं 4 बार बोलिंग किए हैं, सिर्फ 1 बार 2 विकेट निकाले, ठीक है। युधिष्वरन का इस वेन्यू पे 1 ही बार बोलिंग किए हैं एंड 1 विकेट है, बाकी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। थोड़ा सा और नीचे चलेंगे, निल्लाई रॉयल किंग्स के तरफ से देखेंगे, जी अजीतेश इस वेन्यू पे कुछ ना कुछ करके ही जाते हैं, 3 बार बैटिंग किए हैं, 1 बार 38 किए हैं सिर्फ 13 बॉल्स के अंदर, और 2 बार 10 नॉट आउट एंड 14 नॉट आउट है। संदीप वॉरियर का देखो इस वेन्यू के ऊपर 4 विकेट निकाले हैं 1 बार बोलिंग फर्स्ट करते हुए, बाकी 3 बार 0-0-0 विकेट, इनके साथ मसला ही वही है, काफ़ी इकोनॉमिकल बोलिंग तो कर लेते हैं बट विकेट्स इनको कभी जब मिलता है गुच्छे में मिलता है, नहीं तो कुछ नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे मणिकंदन 1 बार 3 विकेट निकाले हैं बोलिंग सेकेंड में, 1 बार बोलिंग फर्स्ट करते हुए 0 विकेट जो पिछले मैच में ही था। अरुण कार्तिक का देखेंगे 32 सिर्फ 12 बॉल्स के अंदर जो पिछले मैच में किए थे बैटिंग सेकेंड करते हुए, बाकी एक 13 रन्स का पारी भी है। एस मोहन प्रसाद 2 बार 3-3 विकेट निकाल चुके हैं, इसलिए इस वेन्यू के ऊपर इंपॉर्टेंट है। अश्विन क्रिस्ट 3 इनिंग में 3 विकेट निकाले हैं इस वेन्यू के ऊपर, 3 बार ही सेकेंड इनिंग में बोलिंग करते हुए। श्री निरंजन का देखेंगे 34 रन्स एंड 1 विकेट, 15 रन और 9 रन, ठीक है। एस ऋतिक ईश्वरन 41 किए हैं 27 बॉल के अंदर। निधिश राजा गोपाल इस वेन्यू के अंदर देखो 2 बार फ्लॉप गए हैं, 2 बार 1-1 रन किए हैं, सिर्फ 1 बार 42 नॉट आउट किए हैं जो कि पिछले मैच में था, नहीं तो यहाँ पे फ्लॉप है, यहाँ पे फ्लॉप है, इसीलिए निधिश राजा गोपाल के ऊपर मुझे उतना ट्रस्ट नहीं हो रहा। सूर्य प्रकाश ऑन दी अदर हैंड 25, 28, 18 हर बार कुछ ना कुछ करके आपको देते ही देते हैं, ठीक है। एनएस हरीश इस वेन्यू के ऊपर जो पिछले मैच में नहीं खेले थे बोलिंग सेकेंड करते हुए 1 बार 1 विकेट निकाले हैं बोलिंग फर्स्ट में, 7 रन एंड 2 विकेट, ठीक है। नीचे चलेंगे और कोई खास प्लेयर शायद आपको नहीं मिलेंगे, पोया मोजे ही आपको 2 विकेट लेते हुए दिखेंगे जो पिछले मैच का परफॉर्मेंस था। सोनू यादव का भी इस वेन्यू पे हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, कब, जब बोलिंग फर्स्ट किए हैं, क्योंकि डेथ ओवर्स में डालते हैं ना, 1-2 विकेट निकाल के चले गए, सेकेंड इनिंग में जब बैटिंग करने आए 15-20 ये कर ही देते हैं, ठीक है। तो अच्छा खासा पॉइंट्स बोलिंग फर्स्ट में ये दे सकते हैं, बोलिंग सेकेंड में शायद आप उतना ट्रस्ट इनको नहीं कर सकते। अगर आपने एक लाइक अब तक नहीं किया है तो कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या समझ में नहीं आया है जिसके लिए आप लाइक नहीं कर रहे, क्या वो चीज़ हमें इम्प्रूव करना चाहिए जिसके बदौलत हम आपका एक लाइक जीत सकते हैं, कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। हेड टू हेड मैचेस चेकआउट करेंगे, देखो 3 बार आमना सामना हुआ है इन दोनों टीम्स का, 3 बार ही कौन जीता है, लाइका कोवाइकिंग्स, जिनके बारे में वीडियो के शुरुआत से मैं आपको बता रहा हूँ कि स्ट्रॉन्गर टीम है आज, ठीक है। इस वेन्यू पे जो 1 बार आमना सामना हुआ है वहाँ पे भी लाइका कोवाइकिंग्स जीते हैं। रीसेंट हेड टू हेड मैचेस, ये मैच पिछले साल खेला गया था, ठीक है। यहाँ पे देखोगे हाई स्कोरिंग मैचेस रहा है, जब भी इन दोनों टीम्स का मैच हुआ है ना 160-170 कभी कभी ठीक ठाक बैटिंग किए हैं तो दोनों ही 200 के ऊपर गए हैं, ठीक है। यहाँ पे जी अजीतेश 38 किए थे बैट फर्स्ट करते हुए, निरंजन का 34 रन्स और 1 विकेट था, सूर्य प्रकाश यहाँ पे 25 किए थे, मणिकंदन का 3 विकेट बोलिंग सेकेंड करते हुए आया था, शाहरुख खान 58 नॉट आउट और 1 विकेट, साई सुदर्शन का 53 रन्स और 1 विकेट, यहाँ पे ये बंदा ना एक ही ओवर बोलिंग किया था 1 विकेट लेके चला गया था, सुयश कुमार को 21 रन मिला था,
स्टार्ट अच्छा मिला था, सिर्फ 12 बॉल में 21 किए थे, इंपॉर्टेंट होंगे ठीक है। अब देखो इनका नाम बार बार आएगा यहाँ पे। लाइका को वाइकिंग्स बैट फर्स्ट करते हुए जीते थे। सुयश कुमार का परफॉर्मेंस देखो 75 ठीक है। साई सुदर्शन 35, आर दिवाकर 3 विकेट, शाहरुख खान 2 विकेट, लक्ष्मेश सूर्य प्रकाश का नाम फिर से आ गया, 45 किए हैं। श्री निरंजन 1 विकेट निकाले हैं, बट श्री निरंजन को अभी बॉलिंग नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से, तो उतना कंसिडर मत करो बॉलिंग से ठीक है। यहाँ पे लाइका को वाइकिंग्स फिर से बैट फर्स्ट करते हुए जीते हैं। शाहरुख खान 64 नॉट आउट, फिर से नाम आ गया। सुरेश कुमार का नाम फिर से आ गया ठीक है। युधिष्ठिरन 3 विकेट निकाले थे बॉलिंग फर्स्ट करते हुए। यू मुखिलेश का 2 विकेट था, आर दिवाकर 1 विकेट, सूर्य प्रकाश का नाम फिर से आ गया। अब देख सकते हो कितने इंपॉर्टेंट है ये सुरेश कुमार, शाहरुख खान एंड सूर्य प्रकाश, बार बार इनका नाम आ रहा है ठीक है। यहाँ पे एनएस हरीश 1 विकेट निकाले थे इस मैच में ठीक है। करेंगे ग्रैंड लीग के वो 5 नाम के बारे में। देखो सुरेश कुमार, सूर्य प्रकाश दोनों ही हेड टू हेड मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। सुरेश कुमार विकेट कीपिंग प्लस ओपनिंग करेंगे, मेरे हिसाब से बैटिंग सेकंड में वो ज़्यादा अच्छा करते हैं। उनका कैरियर एवरेज भी बैटिंग सेकंड में हल्का सा ज़्यादा है, बट ऐसा नहीं है कि बैटिंग फर्स्ट में वो कुछ कर नहीं सकते ठीक है। मेरे हिसाब से सुरेश कुमार आज दोनों ही इनिंग में इंपॉर्टेंट है, बैटिंग सेकेंड में थोड़ा सा ज़्यादा ठीक है। एल सूर्य प्रकाश पिछले मैच में एज अ सब्सटीट्यूट खेले थे जितना मुझे याद है, फिलहाल 11% सिलेक्शन है, गुड हेड टू हेड रिकॉर्ड है, आप ट्राई कर सकते हो एज अ डिफरेंशियल प्लेयर ठीक है। एनएस हरीश पिछले मैच में नहीं खेले थे, ये एनएस हरीश एंड अश्विन क्रिस्ट आज खेल सकते हैं दोनों, पिछले मैच में ये दोनों ही नहीं खेले थे अपने अपने टीम से। एनएस हरीश एक बेहतरीन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलर है, अश्विन क्रिस्ट राइटर मीडियम फास्ट जो डेथ ओवर्स में डालते हैं, किसी के ऊपर मतलब किसी का ध्यान इनके ऊपर नहीं है, आप ट्राई कर सकते हो। यू मुखिलेश अभी भी 23% सिलेक्शन है, पता नहीं अगर आज भी लाइका कोवाइकिंग्स का बैटिंग फर्स्ट होता है ये नंबर 4 तक बैटिंग करने आ जाएंगे, प्लस पार्ट टाइम राइट आर्म ऑफ स्पिन भी डाल लेते हैं, पिछले मैच में 2 ओवर डाले थे। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो ओपोनेंट टीम है नेल्लई रॉयल किंग्स, उनके मिडिल ऑर्डर में 3-3 लेफ्ट हैंड बैटर हैं, तो शाहरुख खान एंड मुखिलेश दोनों ही ठीक ठाक ओवर्स डालने वाले हैं मेरे हिसाब से, तो मुखिलेश के ऊपर भी किसी का ध्यान नहीं है, आप ट्राई कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरा स्मॉल लीग का टीम कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बना है जहां पे कैप्टन मैंने शाहरुख खान को दिया है। देखो पिछले मैच के तरह अगर फिर से लाइका कोवाइकिंग्स का बैट फर्स्ट होता है ना, मेरे कैप्टन वाइस कैप्टन लगभग यही दोनों रहेंगे, क्योंकि बैटिंग फर्स्ट में ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप डिफरेंशियल जाना चाहते हो, एक ऑप्शन में दूंगा आर सोनू यादव, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है क्योंकि डेथ ओवर्स में बॉलिंग करता है बंदा, 2 विकेट निकाल ही लेता है, एंड उसके साथ नंबर 5 पे बैटिंग, मतलब वो 15-20 रन कहीं नहीं गए, बहुत अच्छा CVC ऑप्शन आज आपके लिए हो सकते हैं। इन तीनों के अलावा अगर आप 2-3 मेंबर के लिए खेल रहे हो ना फैंटेसी में, तो किसी की तरफ देखना भी नहीं है कैप्टन वाइस कैप्टन के रिगार्डिंग ठीक है। बहुत बड़ा लीग्स खेल रहे हो और वहां पे आप देखोगे कि लाइका कोवाइकिंग्स का बॉलिंग फर्स्ट है, तो आप क्या करोगे, एम मोहम्मद को कैप्टन करोगे, एल किरण आकाश को वाइस कैप्टन करोगे, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बनाओगे। सुरेश कुमार जो विकेट कीपिंग सेक्शन में मैंने डिफरेंशियल लिया है, उनको CVC बनाओगे ठीक है। मुखिलेश, शाहरुख खान, एल किरण आकाश, मोहम्मद, यहाँ पे एम सिद्धार्थ, देखो 5 बॉलर्स लगभग मैंने कवर कर लिया है लाइका कोवाइकिंग्स के तरफ से ठीक है। और यहाँ पे सोनू यादव, SM प्रसाद एंड पोयामोजी 3 मेन डेथ बॉलर्स मेरे टीम में है, किन के, नेल्लई रॉयल किंग्स के ठीक है। यहाँ पे अरुण कार्तिक को मैंने दिया है जिनके ऊपर मैं भरोसा करता हूँ, प्लस विकेट कीपिंग से भी पॉइंट्स देंगे। यहाँ पे मैंने एन राजागोपाल को नहीं लिया है, उनके जगह एक ऑलराउंडर यू मुखिलेश को मैंने अपने टीम में लिया है, एंड JS कुमार मतलब सुरेश कुमार को मैंने अपने टीम में लिया है। कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है। संदीप वॉरियर को मैं नहीं ले पाया क्योंकि एक ही मैच में परफॉर्मेंस आया है इस वेन्यू के ऊपर जहाँ पे उन्होंने 4 विकेट निकाला था, क्या पता ये मैच वो हो फिर से जहाँ पे वो 2-3 विकेट निकाल के आपको दे दे, तो बॉलिंग फर्स्ट में आप ट्राई कर सकते हो प्रोबेबली JS कुमार को हटा के ना आप संदीप वॉरियर को ले सकते हो। कब लेना है, जब नेल्लई रॉयल किंग्स का टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगा तभी आप चांस ले सकते हो, नहीं तो बेकार में रिस्क लेने का जरूरत है नहीं। फिलहाल उनका सिलेक्शन 23% का है, आप ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई कीजिएगा, स्मॉल लीग में जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए। कब लेना है मैंने आपको बता दिया, बॉलिंग फर्स्ट में संदीप वॉरियर, बॉलिंग सेकंड में अवॉइड ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए एक लाइक करके जाइएगा, एक कमेंट छोड़ते हुए जाइएगा, चाहे गंदा कमेंट करो, चाहे मुझे गाली दे दो, चाहे मुझे कुछ अच्छा बोलो, जो भी है कमेंट करके जाओ ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।